हेलो दोस्तों, गेट्स मैशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, और इस वीडियो में हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो सबसे पहले इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता क्या है, जहां पे ऑपरेंड इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड एज कॉन्स्टेंट। मतलब कहने का क्या है कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास ऑप कोड है और ऑप कोड के साथ हमारे पास क्या होता है, ऑपरेंड। मतलब यहां पे क्या दिया होता है, एड्रेस दिया होता है। अब इमीडिएट मोड के अंदर ये एड्रेस की वैल्यू क्या है, मतलब हमारे पास डायरेक्टली डेटा जो है वो इसके अंदर दिया होगा, मतलब हमें कोई कंप्यूटेशन नहीं करनी, डायरेक्ट डेटा जो है वो इस ऑपरेंड की जगह पे हमें दिया होगा। और ये वो डेटा क्या है, एक्चुअल में वो डेटा है कांस्टेंट। तो जनरली हम कांस्टेंट्स को यूज करते हैं कहां पे, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं, लेट्स से एड R1, 3, तो इसका मतलब क्या है कि R1 रजिस्टर के अंदर हमने R1 की वैल्यू में 3 को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को जनरली हैशटैग से भी यहां पे डिनोट कर देते हैं। और ये 3 वैल्यू क्या है, ये 3 वैल्यू है डायरेक्ट डेटा, मतलब आपको इसको डायरेक्ट एज ए डेटा और ऑपरेंड ही कैलकुलेट करना है। आपको इसको कोई भी एज ए मेमोरी या फिर रजिस्टर कहीं पे भी आपको कंप्यूटेशन करने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाई नो कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई कंप्यूटेशन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्ट जो है वो डेटा ही इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया होता है। तो जब भी हम कांस्टेंट्स को यूज करते हैं, कांस्टेंट्स को जब भी हम यूज करते हैं प्रोग्राम्स में, तो उसका मतलब क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड जो है वो वहां पे क्या करता है, हेल्प करता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो पूरे प्रोग्राम में क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब अगर मैं सी का एक प्रोग्राम लिखता हूं और सी के प्रोग्राम में अगर मैं कहीं पर भी कांस्टेंट लेता हूं, कांस्टेंट मतलब जैसे वैल्यू ऑफ पाई है, वैल्यू ऑफ ई है, वैल्यू ऑफ ये सारी जो है पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो आप पूरे प्रोग्राम में अगर पाई और ई की वैल्यू लोगे तो ये कांस्टेंट ही होगी। तो इसके लिए आपको मेमोरी या रजिस्टर में वैल्यू स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू जो है वो इस जगह पे दे दो। मतलब जो ई की वैल्यू है 2.7 या जो भी पाई की वैल्यू है 3.14, आप डायरेक्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही उस वैल्यू को दे दो। तो इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट जो है वो डेटा कंटेन करके बैठी है, ताकि आपको कोई भी कॉम्पिटिशन ना करनी पड़े, ना आपको किसी मेमोरी लोकेशन पे जाने की जरूरत है, ना आपको किसी रजिस्टर पे जाने की जरूरत है कि आप वहां से जाके डेटा को उठाओगे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ कांस्टेंट्स को ही यहां पे यूज कर रहे हैं। तो जो एड्रेसिंग मोड हमें कांस्टेंट्स को यूज करने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। और इसके अपोजिट अगर हम बात करें वेरिएबल्स, तो अगर हम लाइक कांस्टेंट्स को तो हम जल्दी यूज कर लेते हैं, लाइक कांस्टेंट इंट A is equal to 10, तो यानी A की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में 10 ही रहेगी, हमने A को अब कुछ भी और चेंजेस नहीं करने, तो हमने इसको डायरेक्ट इस ऑपरेंड की जगह पे हमने क्या दे दिया, 10। लेकिन अगर हम नॉर्मल वेरिएबल लेते हैं, लेट्स से int A is equal to 10, अब नॉर्मल जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट ऑपरेंड की जगह पे नहीं दे सकते। उसका रीजन क्या है कि प्रोग्राम के अंदर हो सकता है आगे जाके मैंने इसकी वैल्यू को कुछ ना कुछ क्या करना है, चेंजेस करने है, क्योंकि वेरिएबल है, तो वेरिएबल में जो डेटा है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो हम अगर डेटा को डायरेक्ट ऑपरेंड की जगह डालेंगे तो बाद में कंप्यूटेशन के टाइम पे, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो पहले इंस्ट्रक्शन को हम फेच करते हैं, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं, डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तब जाके पता लगेगा कि ए की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो उस टाइम पे हमें एग्जीक्यूट करना, उस टाइम पे हमें पता लगेगा कि ए की वैल्यू क्या है। तो जब भी हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं तो हमें उनको स्टोर करना पड़ता है मेमोरी के अंदर या फिर रजिस्टर्स के अंदर। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें इमीडिएट मोड के अंदर, तो डायरेक्ट आप सिर्फ कॉन्स्टेंट से ही डील कर रहे हो, तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट आप इंस्ट्रक्शन के अंदर दे दो। तो आपको एक्स्ट्रा से कोई मेमोरी लोकेशन नहीं चाहिए, कोई भी रजिस्टर नहीं चाहिए, और ना ही आपको कोई कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी कि आप उस जगह पे जाके उस डेटा को उठा के लो, क्योंकि आपको जैसे इंस्ट्रक्शन को आप फेच करोगे और इंस्ट्रक्शन को डिकोड करोगे, डिकोड करते ही आपको क्या मिल गया, ऑप कोड भी मिल गया और ऑपरेंड जो है वो भी आपको साथ के साथ मिल गया। तो आपको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही आपको डेटा जो है आपके हाथ में है। लेकिन
अल जो बाकी के एड्रेसिंग मोड्स हैं, जैसे जहां पे हम वेरिएबल्स के साथ डिस्कस करते हैं, वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, वहां पे हमें कंप्यूटेशन करनी पड़ती है। तो एड्रेसिंग मोड अगर हम इमीडिएट की बात करें तो बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट तो यही है कि हम डायरेक्ट कॉन्स्टेंट्स को यहां पे डील कर रहे हैं, और दूसरा क्या है कि कोई भी कंप्यूटेशन यहां पे नहीं चाहिए, हमने कंप्यूटेशन के बिना ही हमें जो है ऑपरेंड की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन एक छोटा सा लिमिटेशन यहां पे क्या है, वो लिमिटेशन है कि जो रेंज होगी, मतलब जो ऑपरेंड की रेंज होगी, वो आपकी इस एड्रेस फील्ड की लेंथ पे डिपेंड करती है। मतलब जो इस एड्रेस फील्ड की लेंथ होगी उतने साइज का ही कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट की वैल्यू इससे ज्यादा बड़ी है तो आपको इंस्ट्रक्शन की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। कैसे, लेट्स से कि अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन का साइज है 16 बिट, तो 16 बिट में जनरली होता क्या है, हमारे पास एक बिट हम यूज करते हैं मोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट, 3 बिट को हम यूज करते हैं ऑपकोड के लिए, और लेट्स से 12 बिट्स हम यूज कर रहे हैं एड्रेस फील्ड के लिए, ऑपरेंड के लिए। तो यहां पे अगर हम बात करें इमीडिएट मोड के अंदर, तो इमीडिएट मोड के अंदर जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो यानी फिक्स हो गई है 2^12 के अंदर ही होनी चाहिए, मतलब 0 to 2^12 -1 के बीच में ही रेंज होनी चाहिए। अगर नंबर इससे ज्यादा बड़ा है तो आप उसको कैसे यहां पे डिनोट करोगे, तो उसके लिए मतलब आप मेमोरी या रजिस्टर या फिर आप इंस्ट्रक्शन की जो एड्रेस फील्ड है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी यहां पे एड्रेस फील्ड के ऊपर, एड्रेस फील्ड की जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कांस्टेंट की रेंज कितनी होगी। ये छोटी सी लिमिटेशन है कहां पे, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर। सो ये वीडियो में मतलब मेन हमने डिस्कस यही किया, एड्रेसिंग मोड होती क्या इमीडिएट, और क्या क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। थैंक यू।